हेलो गाइस, वेलकम टू क्रिक क्रैक। किस्से कहानियों में एक बार फिर से आपका स्वागत है। सबसे पहले हमने आपको सुनाया था महेंद्र सिंह धोनी से जुड़ा किस्सा। अब हम आपको सुनाने जा रहे हैं इस वक्त पे भारतीय टीम के कप्तान विराट कोहली का किस्सा। किस्सा शुरू करेंगे उस वक्त से जब विराट कोहली टीम इंडिया का हिस्सा ही नहीं थे। जी हाँ, वो पहला कॉल जो विराट कोहली को BCCI की तरफ से आया था, उनके सिलेक्शन का कॉल, वो कॉल जब श्रीलंका के दौरे में जाने से सचिन तेंदुलकर ने मना कर दिया था। और वीरेंद्र सहवाग तो थे ही, ओपनर्स को लेकर भी बात चल रही थी, लेकिन विराट कोहली को इन सब चीजों के बारे में कोई पता नहीं था। उन्हें तो ये भी नहीं पता था कि उन्हें टीम इंडिया की तरफ से कॉल आने जा रहा है। इसीलिए विराट कोहली वेस्ट दिल्ली क्रिकेट अकेडमी गए, लेकिन कहते ना कि हवाओं में एक शोर था, कहीं ना कहीं हर कोई ये जान रहा था कि अब इस खिलाड़ी का जो नाम है वो कहीं ना कहीं घूमने लगा है। हर किसी की जुबान पे इसका नाम आने लगा है। सिलेक्टर्स की जुबान पे इस खिलाड़ी का नाम था, बड़े बड़े खिलाड़ियों की जुबान पर इस खिलाड़ी का नाम था, और इसके साथ साथ कहीं ना कहीं विराट कोहली के अंदर भी ये बात चल रही थी कि आज जो मीटिंग होने जा रही है उसमें मेरे नाम की चर्चा जरूर होगी। टीम चुनी जानी थी श्रीलंका के लिए, वनडे सीरीज खेली जानी थी, और विराट कोहली प्रैक्टिस के लिए गए हमेशा की तरह। वेस्ट दिल्ली क्रिकेट अकेडमी में वो प्रैक्टिस करते थे, वहीं वो प्रैक्टिस करनी उन्होंने शुरू कर दी। जिस नेट में उन्होंने प्रैक्टिस करनी शुरू की वहां पर उन्होंने एक लड़के को बैठा दिया अपना मोबाइल लेके। वहीं पर कई सारे लड़के आते थे, बॉल बॉयज रहते थे, कुछ छोटे बच्चे भी आते थे प्रैक्टिस करने के लिए। विराट कोहली ने उन्हीं में से एक को अपना फोन दे दिया और कहा कि इसमें कोई भी कॉल बजे तो मुझे बताना। थोड़ी देर बाद विराट कोहली जब प्रैक्टिस कर रहे थे, उसकी थोड़ी देर बाद उन्हें एक कॉल आया। कॉल BCCI की तरफ से ही था, और ये फैसला लिया गया कि विराट कोहली पहली बार भारतीय टीम के साथ जुड़ने जा रहे हैं। तो विराट कोहली ने फोन रिसीव किया, सबको बताया, लेकिन शुरुआत की अपने कोच के साथ, जो राजकुमार शर्मा जी हैं, उनके कोच, उनको उन्होंने बताया, अपने परिवार को बताया। उनके भाई हैं विकास कोहली, उनकी माता जी हैं सरोज कोहली, उनके पिताजी प्रेम कोहली का तब तक देहांत हो चुका था। आपको पता होगा वो किस्सा, जब वो एक मैच खेल रहे थे और उस मैच की ही एक रात, जिस मैच को वो खेल रहे थे उसी के एक दिन रात में उनके पिताजी का देहांत हो गया था। अगले दिन जाकर उन्होंने बल्लेबाजी की थी, और जब उन्हें आउट दिया गया तो हर कोई ये कह रहा था कि यार उन्हें आउट दे दिया गया, इस वजह से वो जब निराश होकर जा रहे थे तो हर किसी को ऐसा लग रहा था जैसे ये खिलाड़ी इसलिए निराश है क्योंकि इसके पिताजी का देहांत हो गया। लेकिन उन्होंने फोन मिलाया अपने कोच को उस समय पे, सीधे ऑस्ट्रेलिया जो थे राजकुमार शर्मा जी, और रो इस बात पे रहे थे कि मुझे गलत फैसले पर आउट दे दिया गया। हर कोई ये सोच रहा था कि ये खिलाड़ी अपने पिताजी के देहांत की वजह से रो रहा है, लेकिन नहीं। इस खिलाड़ी का टेम्परमेंट देखिए कि उस समय पे भी, इतनी मुश्किल घड़ी में भी, ये खिलाड़ी किस लिए रो रहा था कि वो जो बैट पैड हुआ था और उन्हें LBW दे दिया गया था। हालांकि मैच वो ड्रॉ रहा, लेकिन मैं बताना आपको ये चाह रहा हूं कि इस खिलाड़ी का टेम्परमेंट देखिए उस समय भी जब ये प्रैक्टिस कर रहे हैं, और विश्वास इतना है अपनी काबिलियत पे कि मेरे नाम की चर्चा इस वक्त पे सिलेक्शन कमेटी के अंदर चल रही है, मुझे श्रीलंका के खिलाफ ले लिया जाएगा। कब? जबकि उस टीम में इतने बड़े बड़े नाम, राहुल द्रविड़, सौरव गांगुली, सचिन तेंदुलकर, वीरेंद्र सहवाग, युवराज सिंह, बहुत बड़े बड़े नाम थे। सुरेश रैना उस समय पे टीम का बहुत ही अहम हिस्सा हुआ करते थे, महेंद्र सिंह धोनी की कप्तानी हुआ करती थी। इन सब के बीच इस खिलाड़ी को ये पता था कि उसका नाम आएगा। नाम आता है, उसके बाद अचानक से पता चलता है कि वीरेंद्र सहवाग भी इंजर्ड हो गए। श्रीलंका जाके फोन एक अपने कोच को करते हैं वापस यहाँ, क्योंकि टीम मैनेजमेंट ने सवाल पूछा होता है विराट कोहली से कि लोअर ऑर्डर पे बल्लेबाजी करोगे या ओपन करोगे। ये मन बना चुके होते हैं कि ओपन करेंगे, कोच से सिर्फ कंफर्म करना था। कोच ने कहा बिल्कुल सही रास्ते पर हो, ओपन करना। ओपन किया, रन कम बनाए, 18 रन पर शायद आउट हुए थे विराट कोहली अपने पहले वनडे में। लेकिन उसके बाद से जो सफर आज तक चल पड़ा है वो एक ऐसा सफर है जिस पर अब कोई भी पलट कर देखता है तो यही कहता है कि मॉडर्न डे क्रिकेट का अगर सबसे बड़ा बल्लेबाज कोई है तो वो विराट कोहली है। तो ये कहानी थी उस पहली कॉल की जो विराट कोहली को भारतीय टीम की तरफ से आई थी। अगर आपको भी विराट कोहली से जुड़ा कोई ऐसा ही किस्सा पता है जो बेहद दिलचस्प है, बहुत पुराने से मतलब नहीं है, बहुत दिलचस्प होना चाहिए और ऐसा किस्सा होना चाहिए जो बहुत लोगों को ना पता हो, तो आप हमें निश्चित तौर पर उसे लिख भेज सकते हैं। कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए, हम विराट कोहली से जुड़ा जब भी अगला किस्सा शेयर करेंगे, अगर आपका किस्सा सिलेक्ट होता है तो निश्चित तौर पर हम उसे वीडियो के माध्यम से अपनी क्रिक क्रैक फैमिली तक पहुंचाएंगे। फिलहाल इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, फैलाइए इस वीडियो को। विराट कोहली फैंस से खास उम्मीद है हमें। थैंक यू।